मध्य प्रदेश से फिर सामने आ गई पिटाई की तस्वीर। जी हाँ इंदिर, मध्य प्रदेश में ऐसी तस्वीर सामने आती है तो सवाल खड़े हो जाते हैं। अब ये मामला निकल कर आया, शुरुआत में मैंने कुछ सेकंड की तस्वीर आपको दिखाई थी, बस के उतार कर युवक को पीटा गया, लोग लात घूंसे चलाते रहे, पुलिस देखती रही, तस्वीर आपने देखी, पूरा मामला आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर से ये वीडियो आप देख लीजिए। देखा आपने, ये देवास के है भोरसा टोल नाके के पास का वीडियो बताया जा रहा है, जहां बताया जा रहा है कि एक नाबालिग युवक उत्तर प्रदेश के बलिया से एक लड़की के साथ बस में सफर कर रहा था, और बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी युगल थे और दोनों प्रेम विवाह के मकसद से उत्तर प्रदेश छोड़कर अहमदाबाद जा रहे थे, लेकिन उसी बीच में किसी ने सूचना दे दी कि ये लोग इस बस में सवार है। तो क्या हुआ, उसके बाद जो भीड़ तंत्र इस तरीके था वो भीड़ तंत्र हावी हो गया और आओ देखा ना ताओ जमकर लात घूंसे चलने लगे। और कमाल की बात तो ये रही कि आपने खुद देखा कैसी स्थिति है कि पुलिस सामने मौजूद थी और ये लोग लात घूंसे चलाते जा रहे हैं। पूरा मामला इसी तरीके से बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल थे लेकिन दोनों ही नाबालिग थे, ये बात निकलकर सामने आई है। और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जी हाँ, चार नामजद और बाकी 10 से 15 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं, अज्ञात लोग, जिनके खिलाफ पुलिस ने ये केस दर्ज कर लिया है पिटाई को लेकर। जब वीडियो तेजी से ये वायरल हुआ तब उसके बाद कहीं जाकर पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। लेकिन जिस तरीके से भीड़ ने आओ ना देखा ताओ और सीधे लात घूंसे चलाने शुरू कर दिए पुलिस की मौजूदगी में, तो सवाल उठते हैं कि मध्य प्रदेश में इस तरीके से गुस्सा किस कदर हावी है कि लोग सीधे जो भीड़ तंत्र इस तरीके से आता है सीधे पिटाई पर आमादा हो जाता है, और चाहे वो शख्स बेकसूर हो बगैर जाने समझे इस तरीके से पिटाई हो जाती है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि गलत फहमी हुई थी, कुछ गलत जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद जो लोग थे वो भड़क गए और उन्होंने उस लड़की को पीटना शुरू कर दिया। नाबालिग बताए जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लड़का और लड़की उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया है देवास पुलिस की तरफ से इस प्रेमी युगल को। लेकिन बताया यही जा रहा है कि शादी के मकसद से ये लोग वहां उत्तर प्रदेश को छोड़कर अहमदाबाद की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस बीच चूंकि देवास के भोरासा टोल नाका जहां पर ये मामला पिटाई का सामने आया वहां पर कुछ लोगों को सूचना मिल गई थी, या ये भी बताया जा रहा है कि पीछा कर रहे थे कुछ लोग पहले ही से, या फिर किसी ने ये भी बात आ रही निकलकर सामने की जानकारी दी, जिसके बाद लोग वहां इकट्ठे हो गए, बस से लड़के को उतारा ना वाले लड़के को और पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरीके से भीड़ इस तरीके से व्यवहार कर रही है, पिटाई करते हुए ये वीडियो सामने आ रहा है, मध्य प्रदेश से आए दिन इस तरह की तस्वीर सामने आती है, तो निश्चित तौर पर एक सवाल उठता है कानून व्यवस्था के नाम पर। यहां पर तो आपने खुद ही देखा कि पुलिस वाले सामने मौजूद रहे लेकिन उस शख्स को पीटा जाता रहा। देवास से आप तक एक खबर पहुंचाई है शकील खान ने।